यूरोप से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पोलैंड की सीमा पर नाटो ने एडवांस मिसाइल सिस्टम और एडवांस फाइटर जेट की तैनाती कर दी है। रूस नाटो की वेपन तैनाती से भड़का हुआ है। रूस ने यह ऐलान कर दिया है कि जीत के लिए न्यूक्लियर वॉर भी लड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। नेटो ने क्रॉस की रेड लाइन, न्यूक फाइल पर पुतिन का साइन। रूस का फाइनल अलार्म, शुरू होने वाला है न्यूक्लियर स्वार्म। रूस ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन को बचाने वालों से उसका सीधा युद्ध शुरू होने वाला है। अभी तक आर्टिलरी यूक्रेन पर बारूद बरसा रही है, मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, लेकिन अब रूस की मिसाइलों के निशाने पर सीधे अमेरिका और यूरोप आने वाले हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि पश्चिमी देश लंबे समय से रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे थे। ये कोई हाइब्रिड वॉर नहीं बल्कि वास्तविक युद्ध है, जिसके लिए पश्चिमी देश बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। ये रूस का सब कुछ तबाह करना चाहते हैं, भाषा से लेकर संस्कृति तक, जो कि यूक्रेन में भी सदियों से है, और ये यूक्रेनियों के मन में उनकी भाषा के लिए नफरत पैदा करना चाहते हैं। रूस ने यूक्रेन में बढ़ते नाजीवाद का हवाला देकर युद्ध शुरू किया, लेकिन युद्ध में पश्चिमी देशों की सीधी भागीदारी के बाद लावरोव ने कहा है कि अब अमेरिका यूरोप ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। रूस और पश्चिमी देश अब सीधे युद्ध के कगार पर हैं। लावरोव ने यह बयान अमेरिका की फॉरेन रिलेशन कमेटी के प्रमुख के बयान के बाद दिया है। फॉरेन रिलेशन कमेटी के प्रमुख मिशेल मैकॉल ने 22 जनवरी को कहा कि अमेरिका जल्द ही लॉन्ग रेंज वेपन यूक्रेन को ट्रांसफर करे। मैकॉल के इस बयान के बाद जर्मनी ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पोलैंड रवाना कर दिए हैं। जर्मनी ने दावा किया है कि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पोलैंड में बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर तैनात होने वाले हैं। जर्मनी ने कहा है कि इनको अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए तैनात करने का फैसला लिया गया है। ये तैनाती डर नहीं बल्कि सम्मान है, क्योंकि हम अब भी यूरोपियन देश में हैं, लेकिन युद्ध अब दूर नहीं है। जर्मनी ने पोलैंड में पैट्रियट सिस्टम तैनात कर दिए हैं, तो नीदरलैंड्स ने F-35 फाइटर्स पोलैंड में तैनात करने का ऐलान कर दिया है। नीदरलैंड्स ने कहा है कि पोलैंड को 8 F-35 फाइटर्स जेट ट्रांसफर किए जाएंगे। मिशेल मैकॉल के बयान के बाद जर्मनी ने पैट्रियट सिस्टम पोलैंड भेजे तो रूस भड़क गया। रूसी इंटेलिजेंस का दावा है कि अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने वाला है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रियाबकोव ने कहा है कि अमेरिका लॉन्ग रेंज यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स भेज रहा है, यूक्रेन क्रीमिया पर अटैक करने का प्लान बना रहा है, अमेरिका रूस के सिग्नल को नहीं समझ रहा है। रूस बार बार पश्चिमी देशों को एटमी चेतावनी जारी कर चुका है, लेकिन यूक्रेन की मदद लगातार जारी है। पोलैंड में बड़े मोर्चे की तैयारी है। इसीलिए रूस ने अपने एटमी बॉम्बर से युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। रूस पहले ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ समंदर और जमीन पर न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती कर चुका है।
अब आसमान में मंडराते बॉम्बर भी न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयार है। रूसी मीडिया से ऐलान किया जा रहा है कि न्यूक्लियर युद्ध भड़का तो जीत हार नहीं बल्कि अस्तित्व ही मिट जाएगा। ये सच है कि न्यूक्लियर युद्ध में कोई नहीं जीतेगा, लेकिन अगर रूस ही नहीं बचेगा तो दुनिया की क्या जरूरत है, ये जोर देकर कहा गया। ये पुतिन ने कहा, व्लादिमीर व्लादिमीरोविच ने कहा। न्यूक्लियर अटैक की बार बार चेतावनी के साथ ही रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर ली है और इस बार निशाने पर पश्चिमी देश है। रूस के सरकारी मीडिया आरटी के हवाले से खबर है कि सर्दियों के बाद यूक्रेन पर फाइनल अटैक किया जाएगा। अगर पश्चिमी देशों ने पुतिन की मांगे नहीं मानी तो उन पर सीधा हमला हो सकता है। जनवरी के महीने में रूस ने समंदर से लेकर आसमान तक और बैटलफील्ड से लेकर फ्रंट लाइन तक सबसे बड़ी तैयारी की है। अब अगर यूक्रेन को हथियारों की मदद जारी रही तो युद्ध के एटमी युद्ध में बदलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।